हेलो गाइस, ये एचपी कंफर्ट माउस है। इसका सीरीज़ नंबर है X1500। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये 3 बटन वाला माउस है। इसका बॉक्स कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये पता नहीं ये लेबल वगैरह क्यों लगाया है इस पर। इस पर प्राइस लिखी हुई है 369 MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये इसका बॉक्स है, काफ़ी छोटा है। इसके बाद ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और ये कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में आया था। उसके ऊपर ऐसी पैकिंग की हुई थी, और इसके बाद अभी मैंने ये खोल दिया है। तो इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा एकदम एक्सट्रीम राइट वाले कॉर्नर पे, देखिए जो माउस का प्राइस है वो मुझे पड़ा 289 में, और इसका जो शिपिंग चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस, वो 40 रुपीज़। तो टोटल 329 में ये मुझे माउस पड़ा है। अभी इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मुझे शायद पॉज करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि एक हाथ से तो निकल नहीं रहा। सो अभी मैंने माउस निकाल लिया है। ये इसका माउस है। बॉक्स के अंदर ये 3 पेपर वर्क थे, जहाँ पे प्रोडक्ट नोटिसेस करके एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये कैसा प्लग एंड प्ले करना है, उसके ऊपर ये एक मैनुअल था, और इसके बाद ये वारंटी है माउस के लिए। तो ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स आए थे बॉक्स के अंदर। उसके बाद अभी माउस देख लेते हैं। सो ये एक्चुअल माउस है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग लगाया हुआ है। तो इसका जो क्लिक का साउंड है वो थोड़ा सॉलिड है, लेफ्ट एंड राइट क्लिक बोथ। माउस व्हील है वो भी अच्छा खासा सॉलिड है, इसे प्रेस भी कर सकता है। और इसका डिज़ाइन काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, देखने से ही पता चलता है ये कंफर्ट के लिए बना हुआ है। नीचे वाले साइड में देखें तो इसका कुछ डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, मेरा कैमरा अभी फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाइटिंग कंडीशन काफ़ी लो है मेरे रूम में। रबर पैड से 3 नीचे की तरफ। इसे अब हम चालू करके देख लेते हैं। अभी हम इसे प्लग करके देखते हैं मेरे लैपटॉप में। एक्चुअली इसके लिए जो ड्राइवर्स लगते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे अगर आप इसे डायरेक्टली प्लग इन करते हो, तो कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, इसका जो वायर का लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर्स इतना है, और इसका जो वायर है वो सादा रबरी फिनिश दिया हुआ है, ब्रेडेड केबल नहीं है। तो अभी इसे हम प्लग करते हैं। मैंने प्लग इन कर लिया है। बाय द वे, स्क्रीन पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, बट एज यू कैन सी माउस काम करने लगा है, और इसका जो क्लिक का साउंड है वो भी, वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसके जो दोनों क्लिक्स है लेफ्ट एंड राइट, वो एक्चुअली सॉलिड लाइक साउंड देते हैं आफ्टर क्लिकिंग। और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक है, जो आपके हाथ में कंफर्टेबली आ जाएगा। बाय द वे, ये एक मीडियम साइज़ वाला जो हाथ है उसके लिए कंफर्टेबली हाथ में बैठ जाता है ये माउस।
उनके लिए बिल्कुल सही है। ये छोटा माउस नहीं है, ये मीडियम साइज़ वाला माउस है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। छोटा तो ऑफकोर्स है ही नहीं, बड़ा तो नहीं है, लेकिन इट इज़ परफेक्ट फॉर माई हैंड। मेरा हाथ अभी थोड़ा छोटा तो लगता है, फिंगर्स का जो लेंथ है वो छोटा है, बट इट इज़ फिटिंग इन माई हैंड वेरी कम्फर्टेबली। इससे आप गेमिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो। इसका जो फेवरेट पार्ट मुझे जो लगा वो इसका है क्लिक साउंड, क्योंकि बहुत सारे मैंने जो माउस देखे उनके जो क्लिक्स के साउंड है वो एक्चुअली बहुत ही कम आते हैं, जिसके कारण वो एक्चुअली कभी कभी प्रेस होते हैं, कभी कभी प्रेस नहीं भी होते। इसका बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो एक चीप क्वालिटी का नहीं है, इसका क्वालिटी अच्छा है। एक ऐसा फील देता है आफ्टर क्लिकिंग दिस बटन्स, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे माउस देखे हैं जिसका क्लिक का साउंड बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत ही लो होता है। कुछ कुछ माउस में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका जो माउस व्हील है वो कुछ दिनों के बाद चलना ही बंद कर देता है। नीचे वाला पोर्शन देखे आफ्टर प्लग एंड प्ले, इसका जो ऑप्टिकल कलर है लाइट का वो रेड कलर का है, एंड बस इतना ही है ये माउस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।